मान लीजिए मेरी एक बॉडी है, जस्ट इट इज अ आई एम कंसिडरिंग एनी आर्बिट्री बॉडी, वॉल्यूम स्ट्रेस मीन्स द पूरी की पूरी बॉडी में इस स्ट्रेस से क्या होगा, ड्यू टू वॉल्यूम स्ट्रेस देर इज चेंज इन वॉल्यूम, देर इज चेंज इन वॉल्यूम। स्ट्रेन में आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन बस समझ लीजिए अभी फिलहाल वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है। मैं इस पूरी की पूरी बॉडी का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहा हूँ, आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ क्या लग रहा है, मान लीजिए DF, DF फोर्स लग रहा है, क्लियर। ऐसे इसके कई सारे छोटे छोटे सेक्शन होंगे, छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, वहाँ भी DF फोर्स लग रहा है। समझ आ गया, जो आप इंटीग्रेट कर देंगे DF को पूरा, देन यू गेट द टोटल फोर्स, F की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आ गया, ये हर जगह DF लग रहा है, मान लीजिए DF यहाँ भी DF लग रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह आपको क्या मिल रहा है, DF फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा स्ट्रेस जो पूरे के पूरे वॉल्यूम में जनरेट हो। तो वॉल्यूम में जनरेट कब होगा, पूरे में, जब पूरी बॉडी पर क्या लग रहा हो, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा हो, तभी तो पूरे में जनरेट होगा। देख रहे हैं आप, क्लियर। सो DF इज एक्टिंग ओवर द होल वॉल्यूम, ओवर द होल सरफेस एरिया, इसकी वजह से क्या इंटरनल स्ट्रेस विल जनरेट, देर इज सम स्ट्रेस विल जनरेट। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रेस, तो बहुत आसान है, टाउ वी, मैंने क्या बताया था, टोटल फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और ये एफ अपॉन ए क्या होता है, प्रेशर, क्योंकि ये जो कंडीशन फॉर्मेशन हो रही है, कंडीशन जो फॉर्म हो रही है, ये सेम कंडीशन कहाँ फॉर्म होती है, जब कोई बीकर में या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग अंडर वाटर, फॉर एग्जाम्पल ये रिवर है, मान लीजिए वाटर है, इस बीकर में पानी, क्लियर। और आपने क्या किया कि एक सॉलिड का ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया, तो आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे क्या है, प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर हर एक पॉइंट पे प्रेशर लगेगा, सबमरीन, पानी के अंदर सबमरीन चल रही है, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी सबमरीन के आउटर सरफेस पे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। इट मीन्स हर एक पॉइंट पे, और देखें आप हर एक पॉइंट पे, इट मीन्स क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि प्रेशर लगेगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा है DP, तो फोर्स कितना होगा, DP इंटीग्रेट कर लेंगे आप, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, DP अपॉन DA, DP इंटू DA, क्लियर। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या होगा, और F नहीं होगा, इट विल बी DF। समझ आ गया, तो ये बेसिकली क्या है, आप ध्यान से देखिए, इट इज़ बेसिकली वॉट। अब मान लीजिए ये सेम कंडीशन है कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लीजिए कोई बॉडी है दैट इज़ अंडर वाटर, तो अब अगर मान लीजिए इस पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालना, तो कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, तो F क्या होगा, टोटल फोर्स समेशन, सारे फोर्स, सारे प्रेशर का मान लीजिए समेशन कर दिया मैंने, दैट इज़ P इंटू A डिवाइड बाई A, तो आपको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज़ प्रेशर। F क्या, नेट फोर्स, वो क्या होगा, पहले टोटल प्रेशर निकाल लीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दे DP को, DP को इंटीग्रेट करके आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा, उसका मल्टीप्लाई एरिया में करेंगे, देन यू गेट द फोर्स, और फोर्स P इंटू A डिवाइड बाई एरिया, तो आपको क्या मिल गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो होता है आपका, बेसिकली इट गिव्स द वैल्यू ऑफ प्रेशर, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ प्रेशर। तो कभी भी क्वेश्चन आपको निकालने को बोले कि डिड्यूस द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो सीधे प्रेशर की वैल्यू निकालो, प्रेशर की वैल्यू निकालो सीधे सीधे, ज़्यादा घूमना नहीं है, क्या एरिया होगा, क्या प्रेशर, क्या फोर्स लगेगा, भूल जाओ, सीधे प्रेशर की वैल्यू निकालो। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये जो आपको लिखा है फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज प्रेशर। सो ऑलवेज रिमेंबर, ये कंसेप्ट है कि कभी भी JEE या फिर IIT JEE पूछ सकता है आपसे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इंडिकेट्स व्हाट, प्रेशर, थ्रस्ट, बाइंड फोर्स, नन ऑफ दीज, सो इट इंडिकेट्स व्हाट, प्रेशर, क्लियर। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, आई एम फील हैप्पी टू हेल्प यू पीपल, मुझे अच्छा लगता है ताकि आप लोग ग्रो कर सकें, ताकि आप लोग एक अच्छी रैंक हासिल कर सकें, एंड यू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही आपको आगे बढ़ा सकती हैं।
ये छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, ये बच्चों को नहीं पता होते। इवन व्हेन आई वाज इन एकेडमिक मुझे भी ये सारे डाउट्स आए थे मन में, लेकिन देर इज़ नो टीचर, देर इज़ नो फैकल्टी टू क्लियर दैट एट दैट टाइम। बट आपके लिए मैं हूँ, आई एम हेयर फॉर यू पीपल टू हेल्प यू। सो इसको जितना हो बच्चों से शेयर करिए ऐसी वीडियोज़ को। देखिए यहाँ आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, पहली बात। देर इज़ नो फैसिलिटी जो होता है आपको चमक दमक, यू विल नॉट गेट हेयर, बट यू गेट द क्वालिटी कंटेंट, इट्स माई प्रॉमिस। कंटेंट के मामले में आपको कोई मतलब डाउन नहीं होगा। आपको जैसा भी, आपको चैट बॉक्स में कैसा भी डाउट हो वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। सो फील फ्री टू आस्क एनी डाउट इन योर चैट बॉक्स। अपने फ्रेंड्स सबको शेयर करो नॉलेज को, कभी भी अपने पास मित्र को नॉलेज को हमेशा स्प्रेड करना सीखो, ताकि आपके पास आसपास जितने भी बच्चे हैं वो भी सीखें, वो भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करो। क्लियर? सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।